शनिदेव अभी कुंभ राशि में मौजूद हैं, जिस कारण से मकर कुंभ एवं मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। साथ ही कर्क एवं वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया है। इस कारण से इन राशि वालों के जीवन में कई तरह के बड़े बदलाव के संकेत बन रहे हैं। इसके साथ ही शनिदेव के उदय होने की वजह से जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं उनके लिए अब अच्छा समय आने वाला है। वहीं ज्योतिष आचार्य की माने तो शनि ग्रह सारे ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं। इसके कारण से इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर लंबे समय तक रहता है। शनिदेव की 2.5 वर्षों में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से शनिदेव की ढैया और 7.5 से बचने के कुछ उपाय। शनि ग्रह जो है सबसे मंद गति से, सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, और यह जो है वह धीमी गति से चलता है, इसलिए शनि का मानव जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं और 2.5 वर्ष के बाद शनि राशि परिवर्तन करते हैं। शनि सूर्य के एक निश्चित अंश पर उदय होते हैं और सूर्य के एक निश्चित अंश पर अस्त हो जाते हैं, और वर्तमान में शनि अभी अस्त से उदय हुए हैं। और शनि की जो 7.5 है वह 3 राशियों को प्रभावित कर रही है। मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशि के जातकों के लिए 7.5 चल रही है। कर्क वृश्चिक राशि के लिए ढैया चल रही है, क्योंकि तो वर्तमान में शनि कुंभ राशि में है, और शनि जब अपनी अस्त अवस्था में रहते हैं तब वह कम प्रभावकारी होते हैं। शनि जब अपनी मूल अवस्था में, मूल प्रकृति में वापस लौट करके आते हैं, जब उदय हो जाते हैं, तो वह अपने मूल स्वभाव को पुनः धारण कर लेते हैं। तो 7.5 का प्रभाव और शनि की यह उदय अवस्था मकर राशि के लिए कार्य क्षेत्र में तनाव पैदा करेगा, कुंभ राशि के लिए धन संबंधित परेशानी पैदा करेगा, और मीन राशि के जातकों को दुर्घटना और बीमारी इत्यादि की योग देता है। 7.5 और ढैया का जो प्रभाव है वह उपरोक्त इन 3 राशि के जातकों के लिए हमने 7.5 बताई है, और कर्क और वृश्चिक राशि के लिए ढैया बताई है। तो इन 5 राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में यह शनि का उदय होना, नौकरी व्यापार में तनाव पैदा करना है, आर्थिक परेशानी, विवाद, लड़ाई झगड़े और ऋण संकट इत्यादि के योग दे रहा है। क्योंकि शनि 7.5 ढैया में कुछ राशियों को लाभ भी प्रदान करता है, कुछ राशि के जातकों को नुकसान भी प्रदान करता है। तो जिन जातकों को ऐसा लग रहा है कि शनि का हमारे ऊपर दुष्प्रभाव हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, शनि के कारण हमको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे जातकों को हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी के परिक्रमा लगाएं, सिंदूर का चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड इत्यादि का पाठ उनको करना चाहिए, शनि महाराज के दर्शन करना चाहिए, शनि को तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए, और काले तिल, उड़द, काला कंबल इत्यादि, जोशी इत्यादि को दान करना चाहिए, और ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जप इत्यादि करना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से शनि भी आपको जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जो नुकसान प्रदान कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज और शनिदेव की कृपा से आपको शुभ फल देने लगेंगे।